नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। श्रीलंका क्रिकेट गर्त में है, ना क्रिकेटर चल रहे हैं, ना ही बोर्ड का रवैया कुछ ठीक है। 3 खिलाड़ियों पर बैन लगाया गया है 1 साल का, और वजह क्या है? बायो बबल का उल्लंघन किया है, इसलिए बैन लगाया गया। इतना कठोर फैसला किसी भी हिसाब से जायज नहीं है, और इस पर हंगामा भी होने वाला है। खिलाड़ियों ने कोई बड़ा जुर्म नहीं कर दिया जिसकी वजह से श्रीलंका क्रिकेट का सिर एकदम से झुक गया हो, या फिर खिलाड़ियों ने देश का अपमान नहीं किया, बस कुछ नियम थे जिसका पालन नहीं किया। अब इस पर 1 साल का बैन तुक नज़र नहीं आता है। रिपोर्ट्स आ रही है कि जी 1 साल का बैन लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक कुशल मेंडिस, निरोशन डिकवेला और दानुष्का गुनाथिलाका पर नियम तोड़ने की वजह से श्रीलंका बोर्ड ने 1 साल का बैन लगाने का फैसला किया है। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेली गई T20 सीरीज के दौरान इन खिलाड़ियों को बायो बबल तोड़ने का दोषी पाया गया था। कुशल मेंडिस, निरोशन डिकवेला और सलामी बल्लेबाज दानुष्का गुनाथिलाका को 3rd T20 में श्रीलंका की हार के बाद देर रात में डरहम की सड़कों पर घूमते हुए देखा गया। तीनों को तत्काल ही वापस स्वदेश लौटने का आदेश दिया गया था, और अब खबर आ रही है कि 1 साल का बैन लगा दिया गया है। एक क्रिकेट वेबसाइट की खबर के मुताबिक श्रीलंका बोर्ड ने इन तीनों खिलाड़ियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए यह कदम उठाया है। आपको बता दें, श्रीलंका क्रिकेट की हालत फिलहाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। बल्लेबाजों ने तो बेड़ा गर्क कर ही रखा है। श्रीलंका टीम की एक समय सानी थी। कुछ दिन पहले इंग्लैंड से बुरी तरह से हारने के बाद खुद जयसूर्या ने ट्वीट करते हुए कहा था कि इस समय श्रीलंका क्रिकेट को मदद की ज़रूरत है, वरना ये टीम और भी ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन करेगी। और अब ऐसी खबर आ रही है कि श्रीलंकाई फैंस को और भी ज़्यादा झटका देने वाला है, क्योंकि 3 खिलाड़ियों पर 1 साल का बैन लगाया गया है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।